हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग मेरा नाम है श्रुतिका आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट एलेवन ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़ इसके पहले ऑलरेडी दस पार्ट्स आ चुके हैं तो जिन भी लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ए एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है एग्री मंत्रा के ऑफिशियल ऐप पर महानवमी के स्पेशल ओकेजन पर आपको इस मॉक टेस्ट पर मिल रहा है थर्टी परसेंट का डिस्काउंट ऑन द प्राइस उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है मंत्रा थर्टी दैट इज़ एम एन टी आर ए थ्री ज़ीरो ये कोड यूज़ करने पर आपको थर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा एंड ये ऑफर सिर्फ थर्टीन एंड फोटीन अक्टूबर तक ही है यानी आज और कल तक ही ये ऑफ़र सीमित रहने वाला है साथ ही जो लोग यू पी पी एस सी डी एच ओ एंड अदर पोस्ट जो है यू पी पी एस सी के उसके मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्स पे भी आपको फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए आपको यूज़ करना है कोड मंत्रा फोर्टी दैट इज़ एम ए एन टी आर एफ फोर ज़ीरो ये कोड यूज़ करने पर आपको यू पी पी एस सी की जो कोर्सेज़ है उस पर मिलेगा फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट ये ऑफ़र भी थर्टीन एंड फोर्टीन अक्टूबर तक ही वैलिड है यानी कि आज और कल सो so, इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से एंड देन स्टोर सेक्शन में जाके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ एंड यू पी के कोर्सेज को परचेस कर सकते हो तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ एम सीरीज़ तो सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर बेट फॉर बेस्ट ईल्ड पोटैटो नीड्स नीड्स डैश डे कंडीशन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डैश डे कंडीशन ड्यूरिंग ट्यूबराइजेशन तो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज़ लॉन्ग डे कंडीशन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड शॉर्ट डे कंडीशन ड्यूरिंग ट्यूबराइजेशन तो पोटैटो में बेस्ट ईल्ड पाने के लिए जो है ग्रोथ के टाइम लॉन्ग डे कंडीशंस चाहिए होती है एंड ट्यूबराइजेशन uh, के टाइम शॉर्ट डे कंडीशन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग शोज हाइपोजियल जर्मिनेशन तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से हाइपोजियल जर्मिनेशन कौन सा क्रॉप शो करता है तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक ग्राउंडनट एंड बाकी जो तीन क्रॉप्स है वो शो करते हैं ई पी जी एल जर्मिनेशन सो बेसिकली वट इज़ ई पी जी एल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं तो ई पी जी एल जर्मिनेशन का मतलब है जर्मिनेशन दैट टेक्स प्लेस अबाउट द ग्राउंड एंड हाइपोजियल तो जर्मिनेशन का मीनिंग है जर्मिनेशन दैट टेक्स प्लेस बिलो द ग्राउंड तो सबसे पहले ईपीजीएल को समझ लीजिए ईपी ई जर्मिनेशन का मीनिंग है जर्मिनेशन दैट टेक्स प्लेस अबव द ग्राउंड तो इसमें क्या होता है प्ल्यूमुल और प्ल्यूमुल और कॉटिलेडन जो है वो दोनों ग्राउंड के ऊपर यानी सॉइल के ऊपर आके उसका जर्मिनेशन होता है आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कॉटिलेडन और प्ल्यूमुल जो है वो दोनों सॉइल के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर आते हैं तो इसीलिए उसको कहा जाता है जर्मिनेशन दैट टेक्स प्लेस अबो द ग्राउंड एंड इसका एग्जाम्पल्स है सोयाबीन ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम क्यूक्यूम्बर ओनियन सनफ्लावर काफ़ी सारे क्रॉप्स जो है वो ई जर्मिनेशन शो करते हैं सिमिलरली हाइपोजियल जर्मिनेशन तो इसमें क्या होता है जर्मिनेशन दैट टेक्स प्लेस बिलो द ग्राउंड सो so, इसमें जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है क्वारिलिडोन जो है वो सॉइल के अंदर ही रहता है एंड प्ल्यूमूल जो है वो ग्राउंड के ऊपर होता है तो प्ल्यूमूल इस इस पुश अब द ग्राउंड एंड कॉर्टिलिडोन रिमेंस अंडर द ग्राउंड तो उसको कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन तो जो जर्मिनेशन होने के बाद प्ल्यूमूल जो है वो आपको ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन तो इसका एग्जाम्पल है ऑल द मोनोकॉड्स जो है सीरियल जो है मोनोकॉड्स जो है वो आते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन में ग्राउंडनट कोकोनट ये सारे जो आते हैं वो आते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं सो so, बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है इसमें सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्थेनोकार्पी तो जो भी फ्रूट्स जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं तो वो जनरली होते हैं सीडलेस तो सॉरी पार्थेनोकार्पी जो लीड्स टू सीडलेस फ्रूट्स जो जनरली वेजिट आपको पता होगा बनाना में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होती है जिसकी वजह से जो है बनाना जो सीडलेस जो बनाना होती है वो इट इज़ ड्यू टू पार्थेनोकार्पी जो भी सीडलेस फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है वो होता है पार्थेनोकार्पी की वजह से पार्थेनोकार्पी लीड्स टू सीडलेस फ्रूट्स एंड ये जो तीनों टर्म्स है पार्थेनोजिनीसिस एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी बिल्कुल uh, कन्फ्यूजन नहीं करना है इसमें पार्थेनोकार्पी का है फ्रूट विदाउट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजीनिसिस का है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड एपोमिक्सिस का है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक है एंड पोली एम्ब्रियोनी का है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज ओवम तो एक ही एम्बरी सॉरी सिंगल फर्टिलाइज ओवम से एक से ज़्यादा जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं उसको कहते हैं पोलियो एम्ब्रियोनी पोलियो एम्ब्रियोनी जो है ये जनरली uh, सिट्रस में होती है uh, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं करना आपको पार्थेनो पार्थेनो है आपको पार्थेनोजेनेसिस एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी पार्थेनोजेनेसिस है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन सॉरी जो पार्थेनोकार्पी है इट इज फ्रूट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस का है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड एपोमिक्सिस का है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ये तीनों टर्म्स ध्यान रखनी है आपको उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन साइल हैज़ पी एच लेस देन एट पॉइंट फाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर मोर देन फोर एंड ई एस पी लेस देन फिफ्टीन सोइल्स आर कॉल्ड तो जिस सॉइल में पी एच एट पॉइंट फाइव से कम ई सी मोर देन फोर और ई एस पी जो है लेस देन फिफ्टीन होती है तो ऐसे सॉइल्स को क्या कहा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सलाइन सॉइल ठीक है सलाइन साइल में जो है पीएच कम होता है 8.5 से ईसी मोर देन फोर और ईएसपी जो है ये लेस देन फिफ्टीन होती है सिमिलरली जो है अलकलाइन सॉइल में पीएच होता है एट मोर देन 8.5 पॉइंट होती है लेस देन फोर एंड ईएसपी होती है मोर देन फिफ्टीन एंड सलाइन अल्कली सॉइल में पीएच होता है मोर देन एट पॉइंट फाइव ई होती है मोर देन फोर एंड ई होती है मोर देन फिफ्टी ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कौन से सॉइल में कितने ये पैरामीटर्स होते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ग्रेन ए टी एम इज इनाग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी और स्टेट तो भारत के किस राज्य या जो भी सिटी है शहर में पहला ग्रेन एटीएम टी किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुरुग्राम हरियाणा हरियाणा में जो गुरुग्राम सिचुएटेड है वहाँ पे फर्स्ट ग्रेन एटीएम इंडिया का इनाग्रेट किया गया है ये रिसेंट में ही हुआ है अभी ध्यान रखना है आपको तो जो सिमिलरली जो है फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट काऊ हॉस्पिटल आसाम में इनाग्रेट किया गया है इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड पार्क यानी कि जो चंदन का पार्क है वो इनाग्रेट किया गया है मैसूर में और इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी ये इनोग्रेट किया गया है बिहार में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एग्री मंत्रा टू पॉइंट ज़ीरो के बारे में जो एग्री मंत्रा का ही दूसरा ऑफिशियल चैनल है इस चैनल पर हम आपको समय समय पर एग्रीकल्चरल अपडेट्स एंड न्यूज़ देते रहते हैं इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट चेक अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है उसके अंडर कौन सा पैरामीटर नहीं चेक किया गया जाता है दिए गए ऑप्शंस में से सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये जो दो एलिमेंट्स है या पैरामीटर्स है ये चेक नहीं किए जाते हैं अंडर सॉयल हेल्थ कार्ड तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड के जो पैरामीटर्स है टोटली totally तो वैसे ट्वेल्व uh, पैरामीटर्स जो है वो चेक किए जाते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड में तो so, कौन कौन से चेक किए जाते हैं और कौन कौन से नहीं किए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं तो जो हमारे प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रियट्स है माइक्रो न्यूट्रेंट्स सभी को पता है एन पी के सी एम जी एस ये छः जो है ये माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स है लेकिन प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिय जो है वो एन पी के है तो वो तीनों जो है वो चेक किए जाते हैं अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रियट्स में सिर्फ सल्फर को चेक किया जाता है कैल्शियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को चेक नहीं किया जाता है माइक्रो न्यूट्रंट्स में है जिंक आयरन बोरॉन कॉपर और मैग्नीज ये पांच एलिमेंट जो है वो चेक किए जाते हैं एंड अदर जो फिज़िकल पैरामीटर्स है वो है पीएच एच एंड ऑर्गेनिक कार्बन सो ये सारे जो मिला के जो है वो है ट्वेल्व पैरामीटर्स जो कि चेक किए जाते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड में ठीक है एंड साथ में जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो चेक नहीं किए जाते तो कैल्शियम मैग्नीशियम मॉलिपडेनम वैनेडियम और सोडियम ये जो एलिमेंट्स है या पैरामीटर्स कह सकते हो ये चेक नहीं किए जाते हैं अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड ठीक है card, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन इन राइस तो राइस की क्रिटिकल स्टेज कौन सी है इरीगेशन की तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बुटिंग स्टेज सिमिलरली फॉर्मेटिव स्टेज ये शुगर केन की क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए सी आर आई स्टेज क्राउन रूट क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज ये सभी को पता है वीट की क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए एंड ग्राउंडनट की है पेगिंग स्टेज उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड ऑफ कैटल इन इंडिया ठीक है ये क्वेश्चन रिसेंट में जो नाबार्ड का ग्रेड ए का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है सो so, इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा हरियाणा जो ब्रीड है कैटल की इट इज़ द बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल इन इंडिया ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी नाबार्ड ग्रेड, ग्रेड ए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस विच डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इज नोन एज सो इसका करेक्ट आंसर है ओलेरिकल्चर यह भी रिसेंट में जो नाबार्ड का ग्रेड ए का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है सो so, कल्चर इट इज़ दी स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ़ वेजिटेबल सिमिलरली पोमोलॉजी का है कल्टिवेशन ऑफ़ फ्रूट्स दैट इज स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी विटिकल्चर का है स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स एंड फ्लोरिकल्चर सभी को पता है स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी दैट इज़ सी आई आर सी टी इज़ लोकेटेड ऐट तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन काटन टेक्नोलॉजी है सी आई आर सिटी इट इज़ लोकेटेड ऐट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई सी आई सी आर जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ काटन रिसर्च ये सिचुएटेड है नागपुर में एंड ए आई सी आर पी दैट इज़ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कॉटन ये लोकेटेड है कोइम्बतूर में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कौन सा है तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टू फोर डी तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का मीनिंग ये होता है कि वो जो वो हर्बिसाइड जो अप्लाई किए जाते हैं आफ्टर इमरजेंस ऑफ क्रॉप्स और वीड्स क्रॉप्स या फिर वीड्स का जो इमरजेंस होता है उसके बाद जो अप्लाई किए जाते हैं वो वैसे हर्बिसाइड्स को कहा जाता है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स फ्लुक्लोरालिन और ग्लाइफोसेट ये जो है ये प्री क्ला प्री प्लानकॉर्पोरेशन इंसेक्टिसाइड्स है सो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड्स तब अप्लाई किए जाते हैं जब फील्ड में सोइंग फी, सॉरी फील्ड में सोइंग के पहले जो सॉरी हर्बिसाइड्स अप्लाई किए जाते हैं वो होते हैं प्री प्लांट इंकॉपोरेशन हर्बिसाइड्स तो इनका एग्जाम्पल है फ्लूक्लोरिन और ग्लाइफोसेट एंड प्री इमरजेंस हर्बिसाइड सो ट्राईजिन जो है यह है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स का मीनिंग है अप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स आफ्टर सोइंग ऑफ द क्रॉप बट बिफोर इमरजेंस ऑफ द क्रॉप सोइंग के बाद लेकिन जो क्रॉप इमर्ज होता है उसके पहले जो हर्बिसाइड्स का अप्लीकेशन देते हैं वो होते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजन पी स्टरिलिटी मोजैक डिसीज पीजन पी स्टरलिटिक मोजैक डिसीज़ जो है इस ट्रांसपीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इरियोफाइड माइट यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए पीजन पी स्टरलिटिक मोजैक डिसीज़ ये ट्रांसमिट कौन करता है तो उसका करेक्ट आंसर है इरियोफाइट माइट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टोटल बफेलो अकॉर्डिंग टू द ट्वेंटिथ लाइफ स्टॉक सेंसस सो ट्वेंटिथ लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग जो है बफेलो का पॉपुलेशन कितना है इंडिया में तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वन हंड्रेड नाइन पॉइंट एट फाइव मिलियन इतना पॉपुलेशन है बफेलोज का इंडिया में अकॉर्डिंग टू द ट्वेंटी लाइफ स्टॉक सेंसेस फीमेल कैटल का है वन हंड्रेड फोर्टी फाइव पॉइंट वन टू मिलियन टोटल गोड का है वन फोर्टी एट पॉइंट एट एट मिलियन एंड टोटल कैटल का है वन हंड्रेड नाइन्टी टू पॉइंट फोर्टी नाइन मिलियन तो आपको पता होना चाहिए जो कैटल बफेलो गोड शिप्स का जो पॉपुलेशन है वो कितना है अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टॉक सेंसेस ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट ऑफ़ सीसैमम इज़ कॉल्ड तो जो सीसैमम है इसको जिंजली भी कहते हैं अब रिसेंट में जो है कई कई देखा गया है सीसमे को जिंजली इस नाम से भी दिया जाता है तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं तो सीसैमम का ही मतलब है जिंजली तो इसका हिंदी का मीनिंग है तिल सभी को पता है तो इसके फ्रूट टाइप को क्या ज़िए? कहा जाता है फ्रूट ऑफ सिसामम इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैप्सूल तो फ्रूट टाइप ऑफ सिसामम या जिंजली है सीड सीडबॉल है लिंसिड का लिंसिड का जो फ्रूट है उसको सीडबॉल कहते हैं सिली का ये रेप्सीड एंड मस्टर्ड का है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट ऑफ रेपसीडन मस्टर्ड तो आपको पता होना चाहिए वो है सिलिका एंड पॉड ये फ्रूट है ग्राउंडनट का उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोल्ट्री प्रोडक्शन या फिर एक प्रोडक्शन जो है सिल्वर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है तो इसमें भी कन्फ्यूज नहीं करना है सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो रिलेटेड है पोल्ट्री या फिर एक प्रोडक्शन से सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन रिलेटेड है कॉटन प्रोडक्शन से सिल्वर रिवॉल्यूशन एक प्रोडक्शन सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है ठीक है सिमिलरली जो है गोल्डन रिवॉल्यूशन वो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से एंड गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन रिलेटेड है जूट प्रोडक्शन से सो so, सिमिलरिटी है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको ध्यान रखना है इसे सो so, आज के लिए इतना ही आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड अपनी स्टडी को और इन्हांस करने के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एग्री मंत्रा को का ऑफिशियल ऐप एंड वेरियस सोशल मीडिया का वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़ने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो